Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS class. Please check out your A Green World Part 5 book. Now, please open page number 14, chapter 4, Kind of Works. आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह के काम के बारे में, अलग अलग तरह के वर्क के बारे में. Okay? So, let's start. Kinds of Work. We cannot do all the work ourselves. हम सारा काम खुद नहीं कर सकते. We are dependent on other people for several things. हम बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. For example, हमें पढ़ना होता है हम तो टीचर पे डिपेंड रहते हैं. हम सिक होते हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है. हमारा टैप ख़राब होता है, हमें प्लम्बर चाहिए होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमें सेवरल पीपल्स की नीड होती है. For example, a milkman brings milk for us every morning. For example, जो milkman होता है, दूध वाला होता है, वो हमारे लिए रोज मॉर्निंग में मिल्क लेकर आता है. A newspaper man brings the newspaper every morning. जो newspaper man होता है वो आपके लिए newspaper लाता है हर मॉर्निंग में. A maid servant help us in our household works. जो maid servant होती हैं, ठीक है, काम वाली जो आंटियाँ होती हैं, अंकल होते हैं, वो हमारे household work में help करते हैं. A washerman washes our clothes. जो washerman होता है वो हमारे clothes होता है. Farmers, craftsmen and factory workers produce goods for us. और जो farmers होते हैं, हमारे किसान होते हैं, craftsmen होते हैं, जो आपके factory वाले लोग होते हैं, वो सब आपके लिए goods बनाते हैं, यानी सामान बनाते हैं. They all provide essential services to us. ये सब हमें essential services provide करते हैं हमें, ठीक है, एक अच्छी service provide करते हैं. All people work in different position and capacities to earn their living. सारे people different position में काम करते हैं, अलग अलग capacity का work करते हैं, ताकि वो earn कर सके. क्या कर सके? Earn कर सके, पैसे कमा सकें. All works is important. सारा work important होता है, सबका work important है. Either आप milkman हो, postman हो, newspaper man हो, maid हो, है ना, सबके काम important है. There is no good or bad work. कोई भी काम अच्छा या गलत नहीं है, गंदा नहीं है, except कि आप robbery कर रहे हो. अगर आप robbery कर रहे हो वो गलत है, but उसके अलावा आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप gardening करते हो, आप मिल्क सेल करते हो, आप दूध सेल करते हो, आप खेती करते हो, ये सारे काम अच्छे होते हैं. Therefore, we must be thankful to the people who help us. इसलिए हमें thankful होना चाहिए उन लोगों के लिए जो हमारी help करते हैं. We must respect them. और हमें उनकी respect भी करनी चाहिए, हमें उनकी साथ तमीज से बात करनी चाहिए, हमें उनको हमेशा support करना चाहिए. Next is mental and physical work. अब हम बात करेंगे mental work क्या होता है, physical work क्या होता है. मेंटल वर्क रिलेटेड होता है आपके दिमाग से रिलेटेड काम में. जैसे आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, आपको कोई पढ़ाता है, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं जो आपके, है ना, ये सब कैसा काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं. लेकिन जो आपके फार्मर्स होते हैं, ठीक है, आपके बाकी जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, आपका फिजिकल वर्क करते हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड अबाउट इट. Some people work to earn a living. कुछ लोग earn करने के लिए, पैसा earn करने के लिए काम करते हैं. The work done by a person to earn a living is called a job or an occupation. So, जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है, living earn करने के लिए काम करते हैं, उनके काम को हम job बोलते हैं या फिर occupation बोलते हैं. Jobs can be grouped as mental work and physical work. जॉब मेंटली भी हमारा डेवलपमेंट करती है और फिजिकली भी, यानी इसमें हमारा मेंटल वर्क भी होता है और फिजिकल वर्क भी होता है. डॉक्टर, टीचर एंड लॉयर्स आर एग्जांपल ऑफ पीपल हु डू मेंटल वर्क. जो डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, लॉयर होते हैं, ये सोचने वाला ज़्यादा काम करते हैं, तो इनका मेंटल वर्क होता है. दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल. ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं. दे रिक्वायर सम ट्रेनिंग इन देयर फील्ड ऑफ वर्क. इन्हें अपनी फील्ड में वर्क करने के लिए ट्रेन करना होता है, अपने आप को एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं. पीपल हु वर्क इन ऑफिस ऑल्सो डू मेंटल वर्क. जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, वो भी
मेंटल वर्कर हैं, दे आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स। एनी वर्क दैट इन्वॉल्व फिजिकल लेबर इज कॉल्ड फिजिकल वर्क। जो काम जिसमें आपका फिजिकल लेबर हो, यानी आप बॉडी का यूज करो, आप पैर चलाओ अपने जब बहुत ज़्यादा, हाथ चलाओ, भारी भारी सामान उठाओ, इस तरह का जो काम होता है वो फिजिकल वर्क होता है। फार्मर्स, मेजन, कारपेंटर, कॉबलर एंड रिक्शा पुलर्स डू फिजिकल वर्क। जो फार्मर होते हैं, मेजन होते हैं जो घर बनाते हैं, कारपेंटर जो आपके फर्नीचर बनाते हैं, कॉबलर जो आपके शूज़ को मेंट करते हैं, और जो रिक्शा पुलर होते हैं यानी जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, वो सब फिजिकल वर्क करते हैं क्योंकि उनमें उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड पीपल एंड दे डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग टू डू देयर जॉब। और ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, ज़्यादातर ये जितने भी आपके फार्मर, मेसन, कारपेंटर, कॉबलर, रिक्शा पुलर्स हैं, ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं और इन्हें अपने उसमें कुछ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, ये विद टाइम सीखते जाते हैं। पीपल हु डू फिजिकल वर्क इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर। और जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, डिग्निटी ऑफ लेबर। अब हम बात कर रहे हैं जो लेबर होते हैं उनकी डिग्निटी के बारे में, उनकी मान सम्मान के बारे में। इन कोलकाता अ बॉय नेम ईश्वर चंद्र लिव विद हिज फादर। कोलकाता में एक लड़का था जिसका नाम था ईश्वर चंद्र, वो अपने फादर के साथ रहता था। हिज फादर वॉज वेरी पुअर एंड कुड नॉट प्रोवाइड हिज सन विद प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटीज टू स्टडी एट नाइट। सो जो उसके पापा थे वो बहुत पुअर थे, इस वजह से वो अपने बेटे को लाइटनिंग फैसिलिटी नहीं दे पाए, उनको लाइट नहीं दे पाए। रात के टाइम जब अंधेरा हो जाता है उस टाइम उनके यहाँ लाइट नहीं थी अवेलेबल। ईश्वर चंद्र वॉज अ ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। ईश्वर चंद्र बहुत ही ब्रिलियंट और हार्ड वर्किंग बॉय था, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था। लेटर ऑन ही बिकेम अ रेनाउंड प्रोफेसर बेटर नोन एज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और उसके बाद वो बाद में बहुत बड़ा प्रोफेसर बना जिसका नाम था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही यूज टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपने सारे काम खुद करता था। वंस व्हाइल ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन ही वॉज मिस्टेकन टू बी अ कुली। जब वो एक बार अपने होम टाउन जा रहा था तो लोगों ने उसको गलती से क्या समझा, कुली समझा। Instead of taking offense, he wrapped his shawl on his head and carried the suitcase of the person who had taken him to be a coolie. लेकिन वो इस बात से गुस्सा नहीं हुआ, उन्होंने अपना शॉल लिया, उसको अपने सर में रखा और उस पर्सन के सूटकेस को ले जाने लगे एज इफ वो एक कुली ही है। When the gentleman offered him money, ईश्वर चंद्र refused and said, "I am not a coolie, I am विद्यासागर." जब उस जेंटलमैन ने, उस इंसान ने जिसका उन्होंने सामान उठाया था, उन्होंने उसको पैसे दिए तो ईश्वर चंद्र ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं एक कुली नहीं हूँ, आई एम विद्यासागर, मैं विद्यासागर हूँ। दिस सूटकेस इज नॉट सो हैवी दैट यू कुड नॉट कैरी इट, ये इतना भारी तो नहीं था कि तुम उसे उठा नहीं सकते थे। वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ कैरिंग आवर ओन लगेज और डूइंग आवर ओन वर्क। हमें अपना खुद का काम करने में अशेम नहीं होना चाहिए, ना ही अपना खुद का सामान उठाने में अशेम्ड होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं शर्माना नहीं चाहिए, लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि हम ये चीज़ उठा रहे हैं, हम इतना भारी सामान क्यों उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है, दैट डे द जेंटलमैन रियलाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर। तब उन्हें पता चला कि एक लेबर की डिग्निटी क्या होती है। ठीक है, उनके मान सम्मान किस तरह से वो अपना बनाए रखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क एंड द पर्सन हु डज इट इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर आप किसी भी वर्क को करने वाले की और वर्क की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप एक डिग्निटी ऑफ लेबर कहलाते हैं। महात्मा गांधी यूज टू से दैट एवरी जॉब और वर्क इज वर्शिप ऑफ गॉड। महात्मा गांधी कहते थे कि जितने भी वर्क हैं, जितने भी जॉब हैं, वो सब एक तरह से भगवान की पूजा करने जैसे हैं। ही बिलीव्ड इन डिग्निटी ऑफ लेबर एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। वो भी मानते थे कि जो भी कोई भी काम करता है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हमें ह्यूमन बींग्स की
रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी मान मर्यादा इन सबको बनाए रखना चाहिए. टू सेट एन एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट ऑफ हिज हाउस. और इसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने अपने घर के टॉयलेट को साफ करते थे वो. ही एश्योर्ड स्वीपर दैट देयर इज नो डिस्ग्रेस इन डूइंग देयर जॉब. उन्होंने एश्योर किया स्वीपर को, साफ सफाई करने वालों को एश्योर किया कि ये करने से आप कुछ छोटे नहीं हो जाते और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है. ही वुड कॉल देयर वर्क एसेंशियल सोशल वर्क. और वो उनके काम को बोलते थे ये बहुत जरूरी सामाजिक कार्य है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल वर्क है. यानी जो हम सोशल वर्क क्या होते हैं, जो हम दूसरों के लिए करते हैं. ठीक है. मैनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद वर्कड हार्ड टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ लेबर. और बहुत सारे जो रिफॉर्मर थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इन सब ने भी डिग्निटी ऑफ लेबर को, यानी जो काम करते हैं उनके मान सम्मान को बढ़ाने में हेल्प की, उसको प्रमोट किया, सब लोगों को बताया, सब लोगों को इस बारे में समझाया. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द डिग्निटी ऑफ द वर्क और डिग्निटी ऑफ द लेबर. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. विद दिस क्लास एंड हियर आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.